अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन एंड डिजीज़, द होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप इन्फेक्शन। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप होता है, द होस्ट एंड द पैरासाइट। होस्ट यानी गेस्ट होते हैं, पैरासाइट जो उस पे हमला करते हैं, एंड द कंपटीशन फॉर सुपरमेसी दैट टेक प्लेस बिटवीन दैम। अ होस्ट होस्ट रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिमेन हेल्थली हेल्थली भी होते हैं, एंड द पैरासाइट पैरासाइट की निस्बत एदर ड्राइवन जो कि बढ़ाता है, होस्ट आर एज्यूम जो अख्तियार रखते हैं, आ बिगैन रिलेशनशिप बड़े रिलेशनशिप की तरफ विद द होस्ट होस्ट से ज़्यादा, बाय कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ द होस्ट लोज द कम्पिटिशन, यानी कि होस्ट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, डिजीज़ डिवेल्प यानी कि बीमारी बढ़ जाती है। इसके बाद है डिजीज़ मे बी कंसेप्टुअलाइज एज एनी चेंज फॉर द जनरल स्टेट ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि ये गुड हेल्थ को ख़राब करने में और उसकी चेंजिंग करने में बहुत किरदार अदा करता है। उसके बाद है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट डैट डिजीज एंड इन्फेक्शन आर नॉट सिनोनिमस, यानी कि ये एक दूसरे जैसे नहीं होते, डिजीज़ और इन्फेक्शन एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अ पर्सन मे बी इन्फेक्टेड विदाउट बिकमिंग डिजीज, कोई भी पर्सन हो वो किसी भी इन्फेक्शन के बगैर भी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इसके बाद आ जाता है द नॉर्मल फ्लोरा इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इन्फेक्ट द बॉडी विदाउट काजिंग डिजीज, इसकी डेफिनेशन है, और सिम्बायोसिस इसकी एग्जांपल है। इसके बाद आ जाता है म्यूचुअलिज्म, इन सम केसेस द सिम्बायोसिस इज बेनिफिशियल टू बोथ द बॉडी एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी सम केसेस में जो सिम्बायोसिस होता है वो फायदेमंद होता है बॉडी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों के लिए। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, इस रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। स्पीशीज ऑफ लिप्टोबैसिलस लाइव इन ह्यूमन वैगिना डिराइव न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ह्यूमन वैगिना के अंदर पाए जाते हैं, फ्रॉम एनवायरमेंट माहौल के मुताबिक, वाइल प्रोड्यूसिंग एसिड टू प्रिवेंट द ओवर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करते हैं। उसके बाद कॉमन सालिज्म है, इन सम केसेस द सिम्बायोसिस इज बेनिफिशियल ओनली टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ही बेनिफिशियल होता है, बाकी के लिए नहीं होता, इसको हम कॉमन सालिज्म कहते हैं। ई कॉयल जो है ना वो इसकी एग्जाम्पल है, ये साथ वाली टेबल इसको भी आप लोगों ने देख लें। इसके बाद आ जाता है अकरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, यानी कि नॉर्मल फ्लोरा किस तरह से पेश आता है उसके बारे में डिस्कशन। ये डायग्राम है, इसको आप लोगों ने देख लें। इसके बाद है अ नॉर्मल फ्लोरा मे बी फाउंड इन सेवरल बॉडी टिश्यू, यानी कि वो बॉडी के इन टिश्यू पर पाया जाता है। नंबर वन पे स्किन, ऑन सेकेंड स्किन के ऊपर ऑफ इंटेंस देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायरसेज, फिंजाई बैक्टीरिया, यानी कि फिंजाई वायरस बैक्टीरिया इनकी फॉर्म में यह पाया जाता है, और पार्टिकुलरली स्ट्रेप्टोकोकाई एंड प्रोपियोनो बैक्टीरियम एक्नीज इसमें भी पाया जाता है। ओरल कैविटी हो गया, यानी कि माउथ मुंह हो गया, द ओरल कैविटी कॉमनली कंटेन मेम्ब्रेन्स ऑफ द जनीरा नजीरिया लेक्टोट्राइकिया एंड बैक्टेरियोइड एज वेल एज मैनी डिपथीरिया लाइक बैसिली फंजाई स्पोर्स एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, इनमें ये पाया जाता है। इसके बाद है रिस्पायरेटरी ट्रैक, द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इज द साइट ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एज वेल एज फिनोमियम कोकाई एंड स्पीशीज ऑफ हीमोफिलस एंड माइकोप्लाज्मा, यानी कि इन सब चीज़ों में ये अवेलेबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर फोर पे है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लेटर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउंड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये दोनों आपस में स्मॉल और लार्ज जुड़े होते हैं। बैक्टेरियोइड स्पीशीज आर न्यूमिरस टूगेदर, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद क्लास्ट्रोडियम, यानी क्लास्ट्रोडियम स्पोर्स के जरिए, वेरियस स्ट्रेप्टोकोकाई एंड अ नंबर ऑफ ग्राम नेगेटिव रोड्स इंक्लूडिंग स्पीशीज ऑफ एंटीरोबैक्टर, यानी कि ये एंटीरोबैक्टर ये बैक्टीरिया से ही रिलीज होता है। उसके बाद ये केबीसीलिया हो गया, प्रोटियास हो गया एंड पैसिडोमोनास हो गया, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, ये सारा आपने
खुद देख रहे हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है वेगीना इन फीमेल, यानी कि ये फीमेल में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस वो जो कि इसका मादा होता है, इज अ नोटेबल कंपोनेंट ऑफ द वेजीना, यानी वेजीना का एक अच्छा कंपोनेंट होता है। अदर ऑर्गेनिज्म मे बी लोकेटेड नियर द न्यूरोजेनिटल, यानी कि जो सुलाख, जो एक सुलाख होता है जहाँ तौलीद अमल होता है, ओरिफिसेस यानी कि सुराख इन बोथ मेल्स एंड फीमेल, मेल में भी फीमेल में भी जहाँ से यूराइन खारिज होता है उस सुराख को कहते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे है ब्लड एंड यूराइन, द ब्लड एंड यूराइन आर यूजुअली सटराइल, यानी कि बांझपन, अनलेस डिजीज इन प्रोग्रेस, यानी कि बांझपन पैदा करते हैं। नंबर 7 पे स्टम्मा, द स्टम्मा इन ह्यूमंस इज जनरली विदाउट अ नॉर्मल फ्लोरा, यानी कि स्टम्मा में नॉर्मल फ्लोरा नहीं पाया जाता ड्यू टू लो pH of its content, यानी कि इसमें लो pH होती है। इसके बाद लास्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इन द न्यूनेट्स, यानी कि न्यू बर्न में भी, यानी कि ये बीमारी का सबब बनता है। ये इतना खास नहीं, इसको आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऑफ नॉर्मल फ्लोरा आर इंट्रोड्यूस व्हेन द चाइल्ड पासेस थ्रू, यानी कि जब छोटे होते हैं पैदा होते हैं तब नॉर्मल फ्लोरा थोड़ा थोड़ा उनमें पैदा होना शुरू हो जाता है। ये फास्ट फीडिंग यानी ये दूध पीते हैं, ये सारे प्रोसेस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पैथोजेनिसिटी, जो कि इम्पोर्टेंट है। पैथोजेनिसिटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ पैरासाइट टू गेन एंट्री टू द होस्ट टिश्यू एंड ब्रिंग अबाउट अ फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंज रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ डिजीज, यानी कि ये हेल्थ और डिजीज में चेंजिंग करता है। पैथोजेनिसिटी ये इसकी डेफिनेशन है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद है पैथोजन, मर्ज पैदा करने वाला। एन ऑर्गेनिज्म हैविंग पैथोजेनिसिटी, यानी कि हर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पैथोजेनिसिटी रखता है। द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, यानी कि होस्ट और पैरासाइट के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। पैरासाइट्स वेरी ग्रेटली इन देयर पैथोजेनिसिटी, यानी कि जो पैरासाइट होते हैं वो बड़े होते हैं पैथोजेनिसिटी से। इसके बाद है वायरुलेंसी, यानी कि कड़वाहट। द वर्ल्ड वायरुलेंस यानी कि तेजी से इज यूज टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ अ पैरासाइट, यानी कि ये पैरासाइट की पैथोजेनिसिटी में यूज किया जाता है। वायरुलेंट यानी कि जहरीला एन ऑर्गेनिज्म सच एज द टाइफाइड बैसिलस दैट इनवेरिएबली कॉजेस डिजीज टू सेट टू हाईली वायरुलेंट, यानी कि वायरुलेंट पैदा करता है। उसके बाद इसमें कोलेरा हो गया, प्लेग, टाइफाइड बैसिली हो गया, ये सारे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये सारी ह्यूमन डिजीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मोडरेटली वायरुलेंट, यानी कि जहरीला, ये उससे थोड़ा जहरीला होता है। ऑर्गेनिज्म सच एज कैंडिडा एल्बिकन्स, यानी कि गला सड़ा, दैट समटाइम्स कॉज़ डिजीज इज लेबल्ड मोडरेटली वायरुलेंट, यानी कि वायरुलेंटली जहरापन जहरीलापन पैदा करता है। उसके बाद है ए वायरुलेंट, यानी कि जहर आलूदगी से पाक, सर्टेन ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब एज ए वायरुलेंट नॉट रेगुलेटेड एज डिजीज एजेंट, यानी कि ये डिजीज को कम करता है। डैट लैक्टोबैसिली एंड स्ट्रेप्टोकोकाई फाउंड इन योगर्ट, यानी दही में पाया जाता है, और एग्जाम्पल जो कि इसकी एग्जाम्पल। उसके बाद है अपॉर्चुनिस्ट, यानी कि मौका प्रस्ताना, सर्टेन कम्युनिकल बिकॉज पैरासाइट व्हेन द बॉडी नॉर्मल डिफेंस आर सप्रेस, यानी कि बॉडी को दबाता है, दे इनवेड द टिश्यू एंड एक्सप्रेस देयर पैथोजेनिसिटी।